हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं और आज के इस YouTube चैनल स्वीट एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर 19.10 का। तो चलते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, इस चैप्टर का नाम है इंटरग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटरग्रेशन बाय पार्ट्स यानी इसका हिंदी होता है खंडरस विधि से समाकलन। तो चलते हैं इस चैप्टर के बारे में जानते हैं बेसिक्स और चैप्टर को अंत तक। इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे ताकि आपको इस चैप्टर का सवाल बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर है नाम है इंटरग्रेशन बाय पार्ट्स का, इसका हिंदी होता है खंडस विधि से समाकलन करना। तो ये सूत्र में सूत्र जानेंगे इसका होता क्या है। अगर सूत्र में यदि यू तथा वी चर एक्स में कोई फलन हो तो, यानी फॉर्मूला होता है कि इंटरग्रेशन ऑफ यू इंटू वी इंटू डी एक्स। तो यू इंटरग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स माइनस इंटरग्रेशन ऑफ डी फोर डेरिवेटिव इंटू यू बाई डी एक्स इंटरग्रेशन ऑफ भी इंटू डी एक्स। तो इस चैप्टर में यह फॉर्मूला जो होगा हर जगह लागू होगा। तो जानेंगे कि इस चैप्टर में जो फंक्शन दिया गया होगा उसको कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सा यू होगा और कौन सा वी होगा। तो देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले यू और तथा वी का मतलब क्या है, यानी इसमें यू तथा वी का मतलब पहला फलन और दूसरा फलन होता है। इस फलन को याद रखने का आसान सा तरीका है जहां I let या ली एट भी आप लिख सकते हैं। तो I का मतलब होता है I for inverse function। I for inverse function, L for log rhythmic function, logarithmic function, A for algebraic function,
T4 trigonometric function. E4 exponential यानी e की पावर x फंक्शन तो इतना चीज अगर याद रखेंगे इस चैप्टर में इतना चीज याद रखेंगे तो आसानी से आपको इस चैप्टर का खंडस समाकलन निकाल सकते हैं। तो चलते हैं एक बार और इसको जान लेते हैं। I4 इनवर्स फंक्शन, L4 लॉगरिथमिक फंक्शन, A4 अलजेब्रिक फंक्शन, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जानेंगे किसको U पुट करेंगे और किसको V पुट करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं। जैसे जैसे अगर कोई फंक्शन दिया गया होगा एस स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो यहां पर ये जो एस स्क्वायर है यानी यह जो है ए फोर अलजेब्रिक फॉर्म में है और यह जो है साइन एक्स जो है T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, तो इसको हम U मानेंगे और इसको हम भी मानेंगे। वैसा ही अगर दूसरा कोई फंक्शन अगर दिया होगा कि log log x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो यहां हम देख रहे हैं यह जो है यानी L4 लॉगरिथमिक फंक्शन और ये यहां पर T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, तो इसको हम U मानेंगे और इसको हम V मानेंगे। वैसा ही अगर आपका कोई अगर फंक्शन अगर आपका कोई फंक्शन अगर दिया हो गया होगा कि e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको हम क्या मानेंगे U मानेंगे, इसको हम V मानेंगे। वैसा ही सबको हम देखेंगे किसको U माने और किसको V माने, उसके बाद इस चैप्टर का सारे सवाल को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं बेहतरीन ढंग से। आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको यह जो है कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के तरफ और क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई की पावर 2x इंटू dx। अभी हमने बताया कि किसको यू मानना है और किसको वी मानना है, इसको हम यू मान लेते हैं और इसको हम वी मानेंगे, क्योंकि यह जो है अलजेब्रिक फॉर्म में है इसलिए इसको यू मानेंगे और e की पावर 2x जो है यह जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको हम वी मानेंगे। तो चलते हैं फॉर्मूले को पुट करते हैं, यानी आपका हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
इसका डेरिवेटिव यानी डी इंटू एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटरग्रेशन ऑफ ई की पावर टू एक्स इंटू डी एक्स, यह हो जाएगा एक्स ई की पावर टू एक्स का इंटरग्रेशन होता है ई की पावर टू एक्स और यहाँ दो एक्स का वन हो जाएगा तो टू वन जा टू हो जाएगा यानी टू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इस डी एक्स यानी एक्स का आपका डेरिवेटिव वन होता है और ई की पावर टू एक्स का इंटरग्रेशन आप निकाल देंगे ई की पावर टू एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर दो बार इंटरग्रेशन होगा, यहाँ पर ये जो होगा दो बार इंटरग्रेशन होगा क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर दो बार इंटरग्रेशन करेंगे। अब ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर टू एक्स बाई टू माइनस में, अब इसका इंटरग्रेशन निकालेंगे तो वन बाई टू पहले कॉमन लेते हैं, वन बाई टू कॉमन लेते हैं, अब ये निकल जाएगा e की पावर टू एक्स बटा टू कॉन्स्टेंट c सब में रहेगा। अब हो जाएगा x इंटू ई की पावर टू एक्स बाई टू माइनस और वन बाई टू से इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर टू एक्स में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर टू एक्स बटा दो दाना का चार और हो जाएगा कॉन्स्टेंट c, यह होगा आपका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यह दो नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसके बाद इसको आसानी से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं, इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल कर भी ये आंसर हो सकता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, आपको एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा दो चार का एलसीएम, दो चार का एलसीएम यानी फोर होता है, फोर में दो से डिवाइड करेंगे तो भागफल दो आएगा और दो से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू एक्स इंटू ई की पावर टू एक्स माइनस में हो जाएगा और फोर वन जा फोर भागफल वन, वन में ई की पावर टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ई की पावर टू एक्स और हो जाएगा कॉन्स्टेंट से, यह भी हो सकता है आंसर, यह भी हो सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तब तक आप लोग इस वीडियो तक यानी इस अंत तक इस वीडियो का मजा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दो दिया गया है कि इंटरग्रेशन ऑफ एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स दिया गया है, साफ ले देते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर दो दिया गया है इंटरग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो वैसा ही पहले जैसा हल करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटरग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स माइनस इंटरग्रेशन ऑफ d इंटू एक्स का डेरिवेटिव बाई डी एक्स कुछ में इंटू इंटरग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स। अब ये हो जाएगा x cos x का इंटरग्रेशन होता है sin x माइनस इसका डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव यानी अपलस हो जाएगा वन हो जाएगा और ये cos x का इंटरग्रेशन हो जाएगा आपका sin x इंटू डी एक्स। अब ये हो जाएगा x इंटू sin x माइनस sin x का इंटरग्रेशन होता है आपका माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट सी,
ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स, मास मास हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, और कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। ये होगा आपका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। ये अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो तब तक इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x इंटू dx। पुट करते हैं इसको, आप लोग मान लीजिएगा u बराबर x हो जाएगा और v बराबर आपका साइन 2x हो जाएगा। तो चलते हैं, ये हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d इंटू x का डेरिवेटिव बटा dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx। अब यह हो जाएगा x और साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन माइनस कॉस एक्स कॉस 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब यह हो जाएगा माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2, ये हो जाएगा मास बाहर निकालेंगे तो मास प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कॉस का होता है साइन और 2x बाई 2x का हो जाएगा 2 इंटू 2। कॉन्स्टेंट सी। अब यह हो जाएगा माइनस x cos 2x बाई 2 प्लस साइन 2x by 4 constant c। अब यह हो जाएगा LCM लेंगे, 2-4 का LCM 4 होता है, 2 में 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो भागफल आपका 2 आएगा, और 2 से जो भागफल आएगा ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 x इंटू कॉस, ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा साइन 2x और कॉन्स्टेंट हो जाएगा ये c हो जाएगा, कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। यह होगा आपका राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन x इंटू dx दिया गया है। वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बनाएंगे, जैसा हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में, वैसा इसको इसी क्वेश्चन को वैसा ही सॉल्व करेंगे। तो यहां हम मान लेंगे u बराबर दिया गया है x और भी बराबर साइन एक्स दिया गया है।
क्यों x जो है अलजेब्रिक फॉर्म में है और sin x जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। तो हमने बताया था कि अगर आपको x जो होगा अलजेब्रिक फॉर्म में होगा और sin x जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होगा, तो उसको हम पहले वाले को यू एक्स को यू मानेंगे और sin x को भी मानेंगे। तो पुट करते हैं इस फॉर्मूला पर, ये हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी और x की डेरिवेटिव बाय डी एक्स हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स। अब ये हो जाएगा x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, ये हो जाएगा माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका हो जाएगा हो जाएगा माइनस कॉस x इंटू डी एक्स। अब यह हो जाएगा x माइनस कॉस x माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा और कॉस का होता है साइन x और हो जाएगा कॉन्स्टेंट c या माइनस x कॉस x प्लस साइन x कॉन्स्टेंट c, यह हुआ आपका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 x इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x into dx यह दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको हम मानेंगे u, इसको मानेंगे v, यानी आप लिख सकते हैं x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की डेरिवेटिव बाय डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब यह हो जाएगा x इंटू कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x बाय 2, क्योंकि 2x का इंटीग्रेशन क्या इतना होता है 2 होगा, x का 1 होता है तो 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और माइनस और डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होता है 1 होता है और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि इसको दो बार इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन है, इसका डेरिवेटिव है तो एक्स की इंटीग्रेशन की क्या होती है 1 होती है और ये हो जाएगा इसका कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका साइन 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब यह हो जाएगा x इंटू साइन 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लेंगे, हो जाएगा यह साइन का होता है माइनस कॉस 2x और 2x का डिफरेंशिएटर 2x का इंटीग्रेशन होता है 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है 2 इंटू में दो है तो 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा इंटू कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। अब यह हो जाएगा x इंटू साइन 2x बाई 2 माइनस माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा और 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका 2 ही रहेगा क्योंकि 2 हमने कॉमन कर लिया है, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कॉस 2x
अबाउट फूड, यह हुआ आपका राइट आंसर कॉन्स्टेंट सी, यह हुआ आपका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर छः क्या है। आपको इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन ढंग से आपको हम बताएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं वीडियो, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छः देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छः क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर छः दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स दिया गया। तो इसको हम एक्स को यू मानेंगे और कॉस इंटू टू एक्स प्लस थ्री को क्या मानेंगे, वी मानेंगे। तो इसको हम वी मान लेते हैं और फॉर्मूला पर इसको रखते हैं, ए हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स प्लस थ्री इंटू हो जाएगा इंटू डी एक्स माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की डेरिवेटिव बाय डी एक्स कॉस वन हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा एक्स इंटू कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन साइन, और टू एक्स प्लस थ्री का हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू माइनस ये एक्स का वन हो जाएगा और कॉस का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स का इंटीग्रेशन टू हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्स इंटू साइन टू एक्स प्लस थ्री इंटू में बाई टू माइनस, और साइन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये जगह माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस कॉस टू एक्स प्लस थ्री, ये हो जाएगा इंटू में, और टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है दो होता है, दो दोनों का ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट सी, यह होगा आपका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तो तब तक आपको धन्यवाद।